इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि मैं अपने लिए एक सेपरेट रूम अफोर्ड कर सकूं, तो मैं ऑफिस में ही रहता था। मॉर्निंग प्राश फैमिली, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से हैं। भैया कल तो मजा ही आ गया, कल रात में जो ट्रस्ट में मैंने सोचा भी नहीं था कि पायल को इतना पसंद आएगा मेरा सरप्राइज। ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मैंने आधा सरप्राइज प्लान कर लिया, आधा टेंट वेंट बना लिया था, तब मुझे लगा कि यार मैंने क्या बना लिया, पता नहीं कैसे ही बच्चे के लिए जैसे टेंट होता है ना, वैसे टेंट से बन गया है। बट ट्रस्ट मी, उसको बहुत पसंद आया। उसने बोला कि रेस्टोरेंट वगैरह में डेट पे तो हम अक्सर जाते ही रहते हैं यार, बट दिस इज समथिंग स्पेशल बिकॉज दिस इज मेड बाय यू, यू डिड इट, आपने इसको आप खुद से बनाया है, दैट मेक्स इट मोर स्पेशल। आपने इतना टाइम लगाया इसको बनाने में, इतने एफर्ट्स लगाए, दैट मेक्स इट मोर स्पेशल। सो आप बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कॉमेंट करके बताना। आज पायल के किसी पायल के बहुत अच्छे दोस्त की शादी में जाना है, जिससे सालों बाद मैं शादी में जा रहा हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ, इससे पहले मैं कभी, पता नहीं मुझे याद भी नहीं कि लास्ट मैंने किसकी शादी अटेंड करी थी, शायद मेरी ही शादी थी। बेटा, अरे गुगलू, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुगलू। ऐ आश्वी, 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 आश्वी बेटो, तुम्हारे भैया रो रहे हैं, पोटी जाना है। ठीक है, हम जा रहे हैं भैया को पोटी लेके, तब तक आप खेलते हो, पापा वापस आएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, आपने हाँ बोल दिया ना। अरे आश्वी की मम्मी सुनो, हमारे ना किसी एक ऑडियंस का रिक्वेस्ट आया था कि उनको हमें प्लांट्स दिखाना है, तो ऑडियंस का रिक्वेस्ट तो सर आँखों पर ना, सो लेट्स डू इट। देखो भाई, ये है सबसे फेवरेट प्लांट, ये मेरा भी फेवरेट है, इसका नाम मुझे ही पता है, इसका नाम है एग्लोनीमा पिंक। और इसमें पता है बहुत वैरायटीज होती हैं, एग्लोनीमा रेड भी होता है, एग्लोनीमा मेरे पास रेड भी है, रेड भी है, अरे वाह, रेड भी है मेरे पास, मोस्टली एग्लोनीमा ऑरेंज भी है, एग्लोनीमा ग्रीन भी है हमारे पास, मोस्टली सारी वैरायटीज है, आइस भी है, पर्ल भी है। वो बाकी का है वो सब अभी नहीं, आज दिखाएंगे हम अपने पिंक वाला एग्लोनीमा प्लांट। बहुत सुंदर है ना, कम पानी देना होता है कभी कभी, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी देना होता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं देना होता है, बहुत इंडोर प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, अपने आप हेल्दी रहता है, आप इसको फर्टिलाइजर वगैरह थोड़ा थोड़ा दो महीने में एक बार। सेकंड प्लांट इज दिस, दिस इज अ सक्यूलेंट, और इसमें एक चम्मच पानी दो बस हफ्ते में ना, हफ्ते में एकदम, मतलब भर के नहीं डालना वरना आपके सक्यूलेंट मर जाएंगे। इसको देख के तो ऐसा लगता है कि अंगूर है, तो मर जाएंगे, इसीलिए एक चम्मच पानी देना आपको। एंड दिस इज द थर्ड प्लांट, से स्नेक प्लांट, ये सबको पता है, तो ये हमारे टूटे हुए पत्ते थे जिनको हमने दोनों को लगाया और इससे न्यू प्लांट निकला है। मम्मी एक बात बताना, ये जो पौधा है, ये वाला स्नेक प्लांट, इसको देख के ऐसा लगता है ना कि गाँव में अभी बोलते हैं कि इसको मत लगा, उन्हें तो सांप आ जाएगा, है ना, सब बोलते है ना ऐसा, पता है गांव में ये मिथ है पाया, पता है कि इसमें ना अगर ये आप पौधा लगाओगे अपने घर में तो आपके घर में सांप आ जाएगा। नागफेनी चाहिए इसको, इसको क्या बोलते हैं, नागफेनी बोलते हैं गांव में। अरे बिहार में इस पौधे को, स्नेक प्लांट को बोलते हैं नागफेनी, और ये मिथ है कि भैया अगर इसको अपने घर में लगाओगे तो सांप आ जाएगा आपके घर में। किसी का एकदम ओए टॉय चोर, टॉय चोर, आशु के सारे टॉय तुमने चुरा लिए हैं, और बाकी टॉय कहाँ है, चलो चलो दिखाओ, आओ टॉय का है, डब्बा में वहाँ पे जमा करके रखा है, सारा डब्बा में जमा करके, अरे भाई साहब, अरे तेरी की आशु के सारे टॉय यहाँ चुरा के ले आया, ओ भाई साहब, छोटू गलत बात है बेटा, चोरी नहीं करते बेटा, आओ थोड़ा खेलते आ जाओ, अच्छा फुट छोड़ो आ जा, कट लिया और थोड़ी सी चंपी भी कराई, तो यू कैन सी, और मैं चंपू लग रहा हूँ अभी बिल्कुल।
तो मिलते हैं। मुझे अपना आउटफिट भी डिसाइड करना है कि शादी में पहन के क्या जाऊंगा मैं आज। पैम्पर रूटीन हो गया, पैम्पर रूटीन हो गया। अरे सुनो, तैयार तो हो जाओ। क्या पागल 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 हो गए क्या? सरप्राइज का, सरप्राइज का इतना बड़ा झटका लगा कि पागल पागल हो गई हो? बाल धोने, वीडियो एडिट करना, डालना है, 6:30 बजे तक निकलना भी है। मुझे मेकअप भी करना था, रेडी भी होना था, मेरा अमेज़न के साथ कोलैबोरेशन था, उसका वीडियो भी जाना था आज ही। वीडियो तो बना हुआ था बट मैंने एडिट नहीं किया था, तो इतनी सारी चीज मुझे 2 घंटे में करनी थी और समय में लेट हो गई, मैं 6:30 तक नहीं कर पाई, 7:30 बज के निकलने में घर से। तो राज ने मुझे इतना झाड़ा है, इतना झाड़ा है भैया, झाड़ा हो गया हमारा, कितना मैं गार्डन बैठ के एक राउंड रो भी ली इतना मेकअप लगा के। आई डोंट थिंक सो, मेरे को लगता है मेरे आँख के नीचे का मेकअप खराब भी हो गया अगर रो के। अब तुम बोलो भाई, नहीं तो फिर तुम मेरा सारा कट ही कर दोगे जो मैं बोल रही हूँ। ऐसे भी तुम एडिट करने लगे हो आजकल। हम जा रहे हैं पश्चिम विहार, लंबा सफर है। आशवी के साथ पहली बार इतना दूर जा रहे हैं। आशवी के साथ पहली बार। अगर ये सक्सेसफुल रहता है ना तो फिर हम आगे कोई ट्रिप भी ले सकते हैं। राइट, तो आपको दिखाते हैं जाके वहाँ पे, वहाँ का। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, मिलते हैं हम लोग आपको शादी के वेन्यू पे जाके। हम आ गए हैं वेन्यू पे, हमने थोड़ी सी दूरी बनाई हुई है लोगों से। अभी मैंने मास्क नहीं पहना है क्योंकि मैं अभी अकेले बैठा हूँ, यू कैन सी, बट फॉर श्योर जब मैं यहाँ से उठूंगा तो मास्क पहनूंगा। आशवी बहुत रो रही है। तो गाइस, मैं अभी खाना देके आ गया हूँ, रात के बज रहे हैं 1:30। एक्चुअली हम शादी से लेट आए मतलब खाना देने, क्योंकि डॉग्स जो है उम्मीद लगा के ये बैठे होते हैं कि भैया कब खाना आएगा, कब खाना आएगा। तो मैं उनको भूखा नहीं छोड़ सकता था, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी थी क्योंकि मैं शादी में सही से खाना खा नहीं पाया और हमें वहाँ से ना जल्दी निकलना भी पड़ा। एक तो दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता ही है कितना ज़्यादा है यार, मतलब क्या बोलूँ मैं। हमारा तो 1.5-2 घंटे ट्रैफिक में ही चला गया ना, जाने में और 1.5-2 घंटे आने में। और फिर वहां आशवी ने जो बवाल काटा भाई, क्या बताऊं, नेक्स्ट लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स। मैंने खाने का प्लेट लिया, वैसे बारात आ गई, बारात में लोग इतने तेज से चिल्लाए कि क्या बताऊं, वो इतनी जोर जोर से फूट फूट के रोने लगे कि मैंने बोला पायल अब यहाँ हम रुक नहीं सकते, लेट्स गो। कुछ बता रहे थे ना गाड़ी में कि यादें ताजा हो गई। हाँ यार, मैं अभी ना नीचे ऑडियंस को भी यही बता रहा था कि मेरी ना मतलब पुरानी यादें ताजा हो गई। एक्चुअली यू नो पुरानी यादें हमेशा गर्लफ्रेंड से रिलेटेड ही नहीं होती हैं। अरे यार तो मेरी पुरानी यादें ये ताजा हुई। तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी 100 गर्लफ्रेंड्स होंगी तो इट्स ओके। हाँ, तो मेरी पुरानी यादें ये ताजा हुई कि एक्चुअली जनकपुरी में मेरा एक ऑफिस हुआ करता था और जो मेरे लाइफ का इनिशियल स्ट्रगल था वहीं से शुरू हुआ था, वहीं से मैंने अपने बिल्कुल फर्स्ट से अर्श की जर्नी तय की है। वो अर्श तो नहीं अभी, नहीं नहीं बिल्कुल। उस दिन को याद करोगे ना तो तुमको लगेगा ये कैसा जन्नत है, आज की जो जिंदगी ऐसी जन्नत वाली जिंदगी, क्या कमी है। तो गाइज वहीं पे मेरा ऑफिस हुआ करता था और ऑनेस्टली बताऊँ उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि मैं अपने लिए एक सेपरेट रूम अफोर्ड कर सकूँ। तो मैं ऑफिस में ही रहता था, ऑफिस में ही, उसी ऑफिस में काम करता था, उसी ऑफिस में रहता था। मेरे बॉस बहुत जेनरस थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई रह ले, तेरा किराया बच जाता है तो दैट्स फाइन। तो दोज आर द डेज, इस पर कभी लंबी बातचीत करेंगे, मतलब फुर्सत से बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो कमेंट्स में बताना, अगर आप मेरी ये जो करियर जर्नी है जहां मैं आज से 5 साल पहले हुआ करता था वहां से आज यहां कैसे पहुंचा, अगर आप इंटरेस्टेड हो सुनने में तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विद यू। आज के लिए बस इतना ही।
हम इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत सारा प्यार बांटिए। बाय बाय। हाँ, एक और बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं आप मुझे। ट्रस्ट मी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा। मुझे लगा कि मेरी जो हार्ड वर्क है, जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ इस व्लॉग को बनाने में, वो पेड ऑफ होगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, बिग थैंक यू। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को फ्री है। थैंक यू।